हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास एट का न्यू टॉपिक एक्सपोनेंट देखेंगे, है ना। ये मेरा एक्सपोनेंट का क्या है, पार्ट वन वीडियो है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो एक्सरसाइज 2A देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे क्या है, अगर आपको इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ए पर पावर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ये जो एन है इसको पावर बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। इसको बोलते क्या है, ए पर पावर एन, इसको प्रोनाउंस करते हैं ए पर पावर एन, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए मेरा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ए मेरा एन टाइम्स मल्टीप्लाई है, है ना। यानी कि एन टाइम एम टाइम्स, कहने का मतलब क्या कि कोई मेरा नंबर दे रहा है, मान लीजिए कि 5 दे रहा है, तो 5 पे पावर 4 है, मींस कि मेरा मींस क्या हो गया, जो 5 मेरा क्या है, बेस है, और 4 मेरा क्या है, पावर है, है ना। तो 5 पे पावर 4 इसे बोलेंगे हम लोग। और ये क्या होता है, 5 जो बेस है मेरा, वो मेरे 4 टाइम मल्टीप्लाई है, यानी कि पावर 4, इसलिए 4 टाइम मल्टीप्लाई है ना। अब वो रहा क्या, -3 है, इस पे पावर 2 है, यानी कि ये मेरा क्या बोल रहा है कि ये जो -3 बेस है वो मेरा कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। कहने का मतलब आप लोग क्या समझ में आ रहा है, आप लोग को क्या मैं बोल रही हूँ, जो कि क्या जो मेरा पावर होता है और जो बेस होता है, जो पावर जो बोल रहा है, वो पावर अगर 4 बोल रहा है तो वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो नंबर है बेस, वो मेरा 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स, है ना। -3 है, 2 टाइम्स है ना, पावर 2 है, यानी कि -3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है, जो जैसे कि आपका बोल रहा है क्या कि मान लीजिए कोई माइनस में नंबर है, -a पर पावर n कोई नंबर दे रहा है ना, तो -a पे पावर n कहने का मतलब क्या हो जाता है कि इसका एक आंसर क्या आ सकता है, a पर पावर n, और इसका एक आंसर क्या आ सकता है, इसका दो केस बनता है, है ना। इसका एक मेरा ये केस बनता है, और एक मेरा ये केस कि -a पर पावर n है। तो ये माइनस कब आएगा, और इसके आगे जो साइन है वो प्लस कब आएगा, है ना। तो ये देखिए, जब प्लस साइन कब आता है, जो जब आपका एन इक्वल टू क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, है ना। यानी कि एन आपका क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, और यहां पर जब ऑड बन रहा है, ये इवन नंबर बोल रहा है, तो साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है यहाँ। लेकिन जब एन मेरा क्या हो रहा है, एन इक्वल टू ऑड नंबर, यानी कि ऑड टाइम्स आ रहा है, कहने का मतलब क्या, ऑड टाइम्स बोल दीजिए इसको, एन इक्वल टू ऑड टाइम्स नंबर है, यानी कि ये भी ऑड टाइम्स में आ रहा है, तो ये मेरा क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे कि देखिए, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्या है कि मान लीजिए क्या है कि -2 पर पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना। -2 कितने टाइम, 3 टाइम्स। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये तो एक बार नंबर का मल्टीप्लाई होगा, एक बार साइन का करेंगे, क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। यहां मालूम है ना आप लोग को कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू हो जाता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है मेरा, तो माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाता है मेरा, माइनस। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर -2 पर पावर 4, यहां देखिए पावर आपका क्या है, किस में है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, है ना। तो ये देखिए ऑड नंबर है, इसलिए इसका साइन क्या आया, माइनस आया, यानी कि क्या, आप सिर्फ ओनली डायरेक्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और साइन को करने का जरूरत नहीं है, साइन बस देखिए कि पावर क्या है, इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो डायरेक्ट माइनस लगाइए, और अगर इवन है तो डायरेक्ट प्लस लगाइए। जैसे कि इसका देखिए, -2 पर पावर 4, यानी -2 कितने टाइम मल्टीप्लाई है, तो -2 मेरा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना। यहां देख लीजिए, तो नंबर को एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, ये हो गया। और साइन का कीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और माइनस इंटू माइनस तो क्या गया साइन यहाँ पे, प्लस, यानी पॉजिटिव। मींस यहाँ देखिए, इवन नंबर आया तो इसका साइन क्या आया, पॉजिटिव आया, ऑड नंबर आया तो इसका साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और भी आप इस टाइप के नंबर पे चेक कर सकते हैं, उसका वैल्यू आपका क्या आएगा, अगर यहाँ पर पावर ऑड रहेगा
जब पावर आपका क्या है, ऑड है तो निगेटिव साइन, और पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन। मीन्स क्या हो गया, इफ पावर इज ऑड देन साइन इज निगेटिव, है ना। इफ पावर इज इवन देन साइन इज क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब समझ में आया, देखिए ये कोई नंबर है माइनस में, तो इसका साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके पावर पे। अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव, पावर ऑड है तो निगेटिव, है ना। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हुई होगी, है ना। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर वन में आ जाइए आप लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, जो देखिए एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है, माइनस 4 पर पावर 3। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 को 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 और साइन क्या आएगा, इस पर पावर क्या है, ऑड या इवन, इस पर पावर मेरा क्या है, ऑड है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आपका निगेटिव। या ऐसे भी देख लीजिए, माइनस माइनस और ये माइनस था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या जाता है, माइनस, यानी कि साइन क्या आता है, माइनस। तो इस टाइप से क्या कीजिएगा आप लोग, ओनली नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, और जो साइन होता है वो साइन को क्या कर लीजिए, इवन है और उसके फॉर्मेट में देख के इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन में एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्या हो रहा है कि आपका 1/2 या यही मान लीजिए माइनस 4 पर पावर क्या रहता है मेरा, माइनस 3 रहता है, तो इसका आंसर क्या होता, इसमें पावर निगेटिव है ना। तो क्या होता है, अगर a पर पावर माइनस n होता है तो ये क्या हो जाता है, 1/a पर पावर n, है ना। मींस क्या हो जाता है कि नंबर क्या हो जाता है, वो इन्वर्स हो जाता है, तो जो निगेटिव पावर है वो पॉजिटिव पावर में चेंज होता हो जाता है ना। यानी कि जब हम नंबर को इन्वर्स कर देते हैं तो जो निगेटिव पावर है वो मेरे पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाता है। मतलब क्या हो गया, ये मैं बेस को क्या कर दी, इन्वर्स कर दी, तो इसका पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए आप लोग, सॉल्व कर दीजिए जैसे करते हैं, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 1/a क्या आया था, माइनस 64, है ना। इसका आंसर ये आ जाएगा, जब माइनस हो गया पावर तो प्लस में है पावर, तो इसका आंसर ये, और जब माइनस में हुआ पावर तो इसका आंसर ये हुआ, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या, कि a by b पर पावर आपका माइनस n होगा तो क्या होगा, b by a पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। यानी कि क्या हो जाता है, जब निगेटिव में रहता है मेरा पावर, तो उसको पहले पावर को हम लोग पॉजिटिव करते हैं, है ना, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पावर पॉजिटिव कैसे होता है, तो नंबर का इन्वर्स कर देते हैं, मींस न्यूमिनेटर मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर मेरा न्यूमिनेटर हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ, है ना, और पावर मेरा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इसको नोट करने वाली बात है, जो आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा कि क्या होता है, जब पावर आपका क्या हो जाए, निगेटिव रहे तो वो क्या हो जाता है, जब नंबर को इन्वर्स कर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपका क्या एक प्रॉपर्टी है, है ना, कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, नंबर को इन्वर्स कर देते हैं तो निगेटिव वाला पावर मेरा पॉजिटिव में हो जाता है ना। अब एक देखिए, तो इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर वन का है, जैसे कि 1/2 पर पावर माइनस 5 है, तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग तो पावर को पॉजिटिव करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2/1 पर पावर 5 हो जाएगा, है ना। नंबर इन्वर्स हो गया, आप फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि इसको, और इसको भी क्या करते हैं, 2 पर पावर 5/1 पे पावर 5,
इसको स्क्रब ब्रेक करते हैं, यानी कि ऊपर वाले के साथ एक बार पावर है, एक बार नीचे वाले के साथ पावर है ना, और जो नंबर रहेगा फिर उसको आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 2 को 5 टाइम कीजिए तो क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 by 1 1 को कितना वैसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 times 2 1 times कीजिए, 2 times कीजिए, जितने times कीजिए, यानी 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1 है ना। तो 1 power 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। तो आई होप यहाँ पर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना। अब देखिए हम लोग दो प्रॉपर्टी है जो देख लिए हैं, है ना। एक प्रॉपर्टी क्या था आपका, प्रॉपर्टीज भी देखते जाइए, यहाँ पे प्रॉपर्टी में साइड में लिखते जाती हूँ क्या क्या है जो, है ना। इधर साइड में प्रॉपर्टी का कर देती हूँ क्या, कि अगर माइनस ए पर पावर एन है ना, तो एक बार इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए पर पावर एन यानी पॉजिटिव, और एक आता है क्या यार निगेटिव। ये पॉजिटिव कब आएगा, वेन एन इज इवन, जब एन मेरा क्या यानी पावर क्या हो, इवन हो। यहाँ ये कब होगा, वेन एन इज ऑड, यानी कि जब एन मेरा क्या हो, ऑड के फॉर्म में हो, है ना। तो ये क्या हो जाता है मेरा, इसका दो आंसर में आ जाता है ना, एक पॉजिटिव वैल्यू वाला आंसर और एक निगेटिव। तो निगेटिव को होता है, पॉजिटिव को होता है। और एक आपका क्या था, एक आपका क्या था, और एक आपका था इसमें क्या कि ये था 1 by यानी a by b पर पावर माइनस n है। तो ये क्या हो जाता है, पावर को हम लोग पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, है ना। तो ये नंबर यहाँ क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है ना। ये एक प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी आपका कि अगर a पर पावर n by b पे पावर n हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a by b पे पावर n, means a by b पे पावर n है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, a पे पावर n by b पे पावर n, यह आपका तीसरा हो गया। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो जैसे कि क्वेश्चन दे रहा है, अच्छा ये मल्टीप्लाई वाली है, जैसे कि आपका था क्वेश्चन क्या, ये इसी में आ जाइए, 4 by 3 है, इस पर क्या बोल रहा था, माइनस 3 बोल रहा है। तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसको पावर को पॉजिटिव, ये पावर को पॉजिटिव कर लेंगे, तो क्या आएगा, 3 by 4 पे पावर क्या आ जाएगा, 3। अब इसको क्या करेंगे, 3 पे पावर 3 ये हो जाएगा, और ये 4 पे पावर 3 हो जाएगा। अब 3 को क्या कीजिए, 3 multiply 3 कीजिए, और यहाँ क्या कीजिएगा, 4 multiply 4 multiply 4। इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है वो आप क्या कीजिएगा, यहाँ आंसर कर लीजिएगा, ये क्या आएगा 64, और ये क्या आएगा 27, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं जो, तो ये आपका कौन सा प्लेस में आपका कौन कौन सा यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, है ना, ये दोनों का यूज करके यहाँ पर बनाए हम लोग। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और क्या है आपका, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर a पर पावर, यहां देखिए a by b पे पावर रहता है मेरा m, है ना, और मल्टीप्लाई में नंबर a by b पे पावर है n, मींस क्या कि मेरा बेस क्या है, सेम है, है ना। यहाँ देखिए बेस मेरा क्या है, ए बाई बी, यहाँ भी बेस क्या है, ए बाई बी, लेकिन पावर मेरा चेंज है, पावर मेरा चेंज है ना, या कुछ भी रहे पावर। तो क्या होता है, जब बेस सेम होता है ना, तो एक ही बेस पर क्या हो जाता है, एम प्लस एन हो जाएगा, मींस पावर आपस में जुट जाएगा। तो इसी पे आपका एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्या कि 5 by 3 है, इस पे पावर मान लीजिए 4 है, मल्टीप्लाई 5 by 3 है, इस पे पावर आपका 2 है, तो इसको क्या करेंगे, 5 by 3 हो जाएगा, इस पर पावर क्या हो जाएगा इसका, 4 plus 2, यानी कि आपस में पावर जुट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 by 3 पर पावर क्या आ जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक ये भी प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर a by b पर पावर m रहे और a by b पे पावर n रहे, तो यहाँ क्या हो जाता है, a by b पर पावर m प्लस n हो जाता है, है ना। तो ये भी आपकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, पावर आपस में जुटता है, और इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रहा है आपका, 5 by 3 है,
इस पर क्या है, पावर आपका टू है, मल्टीप्लाई फाइव बाय थ्री है, सॉरी हाँ फाइव बाई थ्री है, इस पर पावर टू है। तो इसको कैसे सॉल्व कर लीजिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, फाइव बाई थ्री बेस सेम है इसीलिए सेम, और इसका पावर आपस में जुट जाएगा, यानी फाइव बाई थ्री पर पावर क्या आ जाएगा, टू प्लस टू फोर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, फाइव कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी फाइव पर पावर फोर बाई थ्री पर पावर फोर, मीन्स फाइव मेरा फोर टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, फाइव मेरा फोर टाइम्स और थ्री मेरा फोर टाइम्स, है ना। अब जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे को क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ओके। अब देखिए ये तो हो गया आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इसी टाइप से है। तो क्या करना, आप निगेटिव में रह रहा तो उसको कैसे आप लोग पावर को पॉजिटिव कीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, ये आप लोग देखिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ एक्सरसाइज वन का वन हो गया, टू हो गया, है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में भी क्या बोल रहा है, इवेलुएट करना है, है ना। तो एक चीज और देखिए क्या होता है आपका, एक तो ये हो गया जब आपका मल्टीप्लाई हो, और अगर आपका क्या हो जाए, ए बाई बी पे पावर एम रहे, डिवाइड रहे ए बाई बी पे पावर एन, मीन्स क्या, जब आपका बेस सेम हो, है ना, और इस टाइप का डिवाइड हो नंबर, तो इसको क्या हो जाता है, ये ए बाई बी पर पावर, यहाँ पे क्या है डिवाइड है, इसलिए पावर इसका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया, ए बाई बी पे पावर एम रहे और यहाँ पे क्या है डिवाइड में नंबर है, और बेस क्या होना चाहिए, इसका सेम होना चाहिए, है ना, पावर कुछ भी हो, ठीक है। तो ए बाई बी पर पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका क्या है, एक प्रॉपर्टी ही है, ये सब सारा आपका क्या है, तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहां देखिए अब जैसे कि क्या होता है, एक हाँ एक चीज ये भी नोट करने वाली बात है, ए बाई बी पर पावर जीरो हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है ना। ए बाई बी पे पावर जीरो मतलब कहने का क्या, ए बाई बी पर जीरो कहने का मतलब देखिए, इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। ए पर पावर जीरो है, मान लीजिए ये एक ही कोई नंबर है, ए पर पावर जीरो है तो ये कैसे, तो ए पर पावर वन माइनस वन हम लोग कर सकते हैं, तो वन में से वन जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, जब हम लोग जानते हैं कि जब माइनस में रहता है तो क्या हो जाता है, वो डिवाइड में होता है, जब डिवाइड में रहता है तो देखिए बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाता है, आपस में माइनस होता है ना ये, तो इसके फॉर्मेट से हम लोग क्या कर लिए, ये कर लिए। अब इसको आप लोग अगेन रिवर्स कीजिएगा तो देखिए ये इस फॉर्मेट में आएगा, डिवाइड है तो पावर आपस में माइनस होता है, और यहाँ से देखिए ये क्या हो रहा है, ये जीरो हो जा रहा है माइनस करने पे, यानी कि इस फॉर्मेट से इसको इससे इसको बनाएंगे। अब डिवाइड में तो क्या होता है, ए पे पावर वन बाई ए पे पावर वन, है ना, इसको तो इस टाइप से लिख सकते हैं ना, ये डिवाइड है यानी कि इसको इससे डिवाइड दे देंगे, तो ए पर पावर वन और ए पर पावर वन करके क्या आ गया, वन आ गया। तो इसी टाइप से ए बाई बी है उस पर पावर जीरो है, मीन्स क्या, ए बाई बी पे पावर मैं क्या कर सकती हूँ, यहां से देखिए ए बाई बी पे पावर जीरो को मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ, है ना। अब यहां देखिए ए बाई बी पे पावर पर वन बोल सकती हूँ, उसी टाइप से आपका क्या आएगा, ए बाई बी है तो ये डिवाइड में, डिवाइड में इस टाइप से आ जाता है, ए बाई बी मल्टीप्लाई होता है तो बी बाई ए क्या आ गया, इसका वैल्यू वन आ गया। तो यहां से ये प्रूविंग भी हो गया, इसको मैं क्या कर दी, प्रूव भी कर दी, है ना, कि ए बाई बी पे पावर जीरो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो यहां पर एक और आपका प्रॉपर्टी मिल गया क्या, कि ए बाई बी पे पावर अगर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है ना। तो ये सब आपका क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज भी क्या करना है, दिमाग में रखना है कि कैसे क्या होता है, जो बस इसी पे क्या है आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है कि फाइव बाई नाइन, फाइव बाई नाइन पर क्या है मेरा पावर है माइनस टू, मल्टीप्लाई है थ्री बाई फाइव पे पावर है माइनस थ्री, मल्टीप्लाई है थ्री बाई फाइव पे पावर क्या है मेरा जीरो है, है ना। तो देखिए ये दोनों क्या है आपस में सेम है बेस इसका, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे अभी,
इस पे पावर माइनस टू है मल्टीप्लाई। देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू ए बाई बी पी पावर जीरो का वैल्यू वन होता है, यानी कि थ्री बाई फाइव पर पावर माइनस थ्री यहाँ मल्टीप्लाई वन हो जाएगा। वन को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, वो नंबर ही आता है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव बाई नाइन पर पावर क्या है माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री बाई फाइव पे पावर माइनस थ्री। अब इसके पावर को क्या करेंगे हम लोग, पहले पॉजिटिव कर लेंगे, यानी ये क्या आ जाएगा नाइन बाई फाइव पर पावर टू मल्टीप्लाई फाइव बाई थ्री पर पावर थ्री। अब इसको तो सॉल्व करने आता है, क्या करेंगे नाइन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और फाइव को क्या करेंगे टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी मल्टीप्लाई में ही है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव कितने टाइम तो थ्री टाइम, और थ्री कितने टाइम तो वह भी थ्री टाइम्स, है ना। अब देखिए ऊपर नीचे जो कटता है उसको काट दीजिए क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है। तो फाइव फाइव कट गया, यहाँ से एक फाइव कट गया, थ्री थ्री जा नाइन कट गया, और ये थ्री से थ्री टाइम में है ना। तो यहाँ मेरा क्या आ गया फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन बाई वन, नीचे कुछ नहीं बचा तो वन। इसका आंसर क्या हो गया मेरा, यही हो गया। तो आई होप थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बन रहा आप लोग को समझ में आया। तो इसी टाइप से आपका थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बनाइएगा। इसी का एक और प्रॉपर्टी है जो ये देखिए पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर में आएंगे। तो इसका एक और प्रॉपर्टी क्या है जो ये देखिए, है ना। तो इसके प्रॉपर्टीज में है आपका क्या कि अगर क्या होता है a बाई बी पर पावर m हो, कर्ली ब्रैकेट n हो और स्क्वायर ब्रैकेट m n o मान लीजिए, है ना, ठीक है, m n o या p मान लीजिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है a बाई बी पर पावर क्या आ जाएगा m मल्टीप्लाई n, इस पर आपका फिर क्या है p है। तो इस टाइप से कितना भी ब्रैकेट करके आपका बढ़ाते जाए मीन्स क्या हो जाता है, ये सब नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ क्या जाएगा a by b पर पावर क्या जाएगा m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, है ना। तो ये आपस में ब्रैकेट के बाहर रहे पावर, यानी कि ब्रैकेट के बाहर एक पावर, फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट, फिर पावर, फिर एक और ब्रैकेट, उसके बाद पावर। तो इस टाइप का जो होता है तो सब आपस में ऐड होता है। तो कहने का मतलब क्या कि a by b पर पावर m है, फिर एक और ब्रैकेट n है, तो इसका क्या हो जाता है a by b पर पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है ना। तो इसको देखिए इसी पे आपका क्वेश्चन नंबर आपका फोर है ना। तो क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या हो जाएगा जो आपका, तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रहा है माइनस टू बाई थ्री है ना, इस पर पावर क्या है आपका टू है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद माइनस टू है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग इसको पावर का क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे कि इसका पावर क्या आएगा। तो यहाँ देखिए माइनस टू बाई थ्री पर पावर क्या आएगा टू, टू जा फोर, यानी कि माइनस फोर आया प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये पावर को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ माइनस है माइनस है, तो इसको पहले पॉजिटिव करेंगे, तो क्या आएगा थ्री बाई माइनस टू पर पावर फोर आएगा, है ना। तो यहाँ देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री। और ये देखिए इसका पावर क्या है, इवेन है या ऑड है, इवेन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। और टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए क्या आएगा, इसका सॉल्व कर लीजिए जो आएगा मेरा वही आंसर, यानी कि थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी थ्री जा एट्टी वन, और ये टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, और एट टू जा सिक्सटीन, है ना। तो ये समझ में आया कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं जो, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा फोर भी आपका बन जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर फोर भी बन जाएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स आप लोग ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स आप लोग ट्राई कीजिए, आपका होमवर्क है। इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर देती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स, अपने से ट्राई करके देखिए। तो वन टू सिक्स आप बनाइए, ये भी सिंपल है, बस ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये सब का यूज करके कहाँ पर क्या यूज करूं, तो थोड़ा सा आप लोग अपना माइंड लगाइएगा तो आप लोग को थोड़ा क्या होगा अच्छे से समझ में भी आएगा कि कैसे करके। अगर मैं सब बता देती हूँ बाय हिंट करके तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना माइंड यूज कीजिए और ये प्रॉपर्टी मैं बता दी हूँ कि कैसे क्या होता है, इस पर क्वेश्चन भी करवा दी हूँ। तो ये फाइव नंबर और सिक्स नंबर क्वेश्चन सेम है,
तो आप लोग ट्राई कीजिए, अब नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट भी कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या करूंगी, 5 और 6 को थोड़ा सा हिंट देकर बताऊंगी कि हाँ कैसे बनेगा, तो आप लोग बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे का एक्सरसाइज करेंगे। तो आज का एक्सरसाइज में यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये आपका क्या है, एक्सरसाइज 2A का होमवर्क है, 1 to 6 क्वेश्चंस है ना जो आप लोग को करना है, और ये प्रॉपर्टीज जो होती है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आज के साथ में आज का क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ओके, थैंक यू।